वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के बारे में, जहां पे आरसीबी के फैंस का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या आरसीबी की टीम देखा जाए किसी ओवरसीज प्लेयर को अपनी टीम का कैप्टन बनाती हुई नजर आ सकती है। उसी में देखा जाए कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ये बोला जा रहा है कि पैट कमेंट्स का एक ऑप्शन हो सकते हैं, आरसीबी टीम चाहे तो इन्हें अपनी टीम में ट्रेड करवा सकती है, या फिर अगर एसआरएच की मैनेजमेंट रिलीज करती है तो क्या आरसीबी टीम पैट कमेंट्स को अपनी टीम में बाय करने के बारे में सोचेगी और फिर अपनी टीम का कैप्टन बनाने के बारे में। क्योंकि अगर आप देखोगे पैट कमिंस की कैप्टनसी बहुत ज्यादा कमाल की रही है, मतलब आईपीएल में एक अलग ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस टीम ने खेला था। आप मानो या फिर नहीं मानो, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 263 देखा जाए इस सीजन बहुत बार टूटने वाला है, और जहां पे देखा जाए एसआरएच की टीम ने ही वो करके दिखाया है, जहां पे बैक टू बैक देखा जाए खतरनाक 200-250 रन बना रही थी ये टीम और इनके बॉलर्स डिफेंड भी कर रहे थे, यानी कि बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी कैप्टनसी और बहुत अच्छी बैटिंग आप लोगों को देखने को मिली थी। अब आरसीबी टीम क्या देखा जाए पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल कर पाएगी, देखिए अगर हम बात करें नंबर वन पे बात करते हैं पैट कमिंस आपको अभी एसआरएच की टीम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आरसीबी टीम ट्रेड का ऑप्शन देगी, लेकिन कौन सा वो प्लेयर रहेगा जिन्हें देखा जाए ट्रेड करेगी आरसीबी टीम, क्या वो फाफ डुप्लेसी होंगे या फिर ग्लेन मैक्सवेल होंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेयर हैं जो मुझे लग रहा है कि ट्रेड के लिए अवेलेबल भी रहेंगे और आरसीबी टीम इन्हें रिलीज करने वाली, तो जाहिर सी बात है इससे अच्छा तो किसी टीम में ट्रेड कर देगी। अब देखिए ये दो प्लेयर जाएंगे, क्या पैट कमिंस तब आरसीबी की टीम में आएंगे, इसके चांसेस हैं, क्योंकि देखिए पैट कमिंस का प्राइस भी बहुत ज्यादा है, 20-21 करोड़ के समथिंग उनका प्राइस था, और देखिए आरसीबी टीम का मन तो था कि पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल किया जाए, लेकिन फिर आरसीबी टीम को बैकफुट पर जाना पड़ा क्योंकि आरसीबी टीम के पास बॉलर एक भी नहीं था यार, ओवरसीज बॉलर था ही नहीं ऋषभ टोपली के अलावा, ऋषभ टोपली इंजर्ड हो जाते इस टीम को लेने के देने पड़ जाते, यानी कि आरसीबी टीम के पास अगर 10 करोड़ या 5 करोड़ रुपए और होते ना कहीं ये टीम आराम से पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करती। और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पैट कमिंस के पीछे ये टीम 20 करोड़ तक कैसे चली गई, भाई आरसीबी टीम को कैप्टन चाहिए था अगर पैट कमिंस आरसीबी की टीम में आते, भले आरसीबी टीम की बहुत बुरी हालत हो जाती आईपीएल 2024 में, लेकिन आरसीबी टीम जब देखा जाए मेगा ऑक्शन में जाती तो इनके पास एक कैप्टन रहता, और जिस टीम के पास कैप्टन रहता है ना वो टीम मेगा ऑक्शन बहुत ज्यादा कमाल की खेलती। अब आरसीबी टीम मेगा ऑक्शन में जाएगी, आरसीबी टीम को सबसे पहला ये काम करना पड़ेगा कि हमारे पास कैप्टन नहीं है, हमें कैप्टन चाहिए पड़ेगा, फिर इन्हें मेगा ऑक्शन में कैप्टन खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आप पैट कमिंस आरसीबी की टीम में आ सकते हैं, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है, क्योंकि पैट कमिंस अगर आरसीबी की टीम में होती एसआरएच की टीम मांगती तो आरसीबी की टीम दे पाती क्या, नहीं देती ना, जाहिर सी बात है यार एसआरएच की टीम क्यों देगी, क्योंकि पैट कमिंस यार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन विनिंग कैप्टन है यार, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है एज कैप्टन, और जाहिर सी बात है अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू भी उनकी है, क्योंकि देखिए आप मानो या फिर नहीं मानो T20 वर्ल्ड कप में जरूर उनकी टीम देखा जाए बाहर हो गई हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो कैप्टन होते जाहिर सी बात है वो टीम और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करती। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एसआरएच की मैनेजमेंट बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में है पैट कमिंस को, तो आरसीबी टीम को किसी और प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, स्टीवन स्मिथ हो, केएल राहुल हो, एडम मार्करम हो, आरसीबी के पास चॉइस तो रहेगी। अब देखना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जिन्हें आरसीबी टीम अपनी टीम का कैप्टन बनाएगी। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जिन्हें आरसीबी टीम कैप्टन बनाती हुई नजर आएगी, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।